पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बाहर हो गया, हम बेशुमार नेगेटिव चीजों को साथ लेकर गए। ना हमने बैटिंग अच्छी की, ना हमने बॉलिंग अच्छी की, हमारा स्ट्राइक रेट ना होने के बराबर था, हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी इंतहाई बदतरीन था, और हमने कोई चांस ही नहीं दिया अपने आप को कि हम कहीं सेमीफाइनल में जगह बना पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा था स्ट्राइक रेट की वजह से, लेकिन हम 5वें नंबर पे आए, लेकिन शायद हम 10वें पर आ सकते थे जिस नोयर की हमारी परफॉर्मेंस थी। हमसे बेहतर तो नीदरलैंड और अफगानिस्तान ने अपनी एनर्जी शो की, उन्होंने वो पैशन जनरेट क्रिकेट खेली जो कि हमें खेलनी चाहिए थी, लेकिन हम उस तरह से खेल नहीं पाए। अब बात ये आती है कि हमने नेगेटिव बातें तो बहुत कर ली, हमने बहुत क्रिटिसाइज कर लिया, कोस लिया अपने बैट्समैनों को, अपने बॉलर्स को, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हम साथ लेकर गए। पॉजिटिव क्या है, मतलब जो आगे आने वाले वक्तों में, आगे के टूर्नामेंट्स में हमें शायद मदद करें, हमारे जज्बात को मदद करें, हम शायद इमोशनली इतने हर्ट ना हो, क्योंकि हम जो पॉजिटिव चीज़ें लेकर गए हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी। सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक ने ये साबित किया कि उसने कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की, और कम से कम एक होप थी, एक नया खिलाड़ी था और हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनसे थी कि वो विकेट पे सस्टेन करेंगे और रन बनाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके बॉलर्स को बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके साथ साथ सऊद शकील जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑल्दो वो मिडल में आकर उन्होंने थोड़ा बहुत रन बनाए, उस तरह से रन नहीं बना पाए जो शायद हमारी पाकिस्तान की टीम को मदद करती, लेकिन उन्होंने ये एक एनर्जी शो की, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई मैं भी खिलाड़ी हूँ और मैं भी मौजूद हूँ और मैं भी आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का हीरो बन सकता हूँ। ये वो वाइड टूर्नामेंट था जिसमें हमने शायद बाबर और रिजवान की बात इतनी नहीं की, क्योंकि रिजवान सिर्फ एक मैच में चले, उन्होंने एक मैच में सेंचुरी बनाई, वो वाइड सेंचुरी तो उनकी तरफ से बनी। इसके अलावा फखर जमान ने ये साबित कर दिया कि वो परमानेंट पार्ट है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का, अब आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते, अब सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं ही वो वाइड खिलाड़ी हूँ जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है। अगेन मैं पॉजिटिव चीजों की बात करूँ तो मोहम्मद वसीम उभर के सामने आए, मतलब जिनको चांस नहीं मिला था उन्होंने मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2-3 विकेट उन्होंने भी निकाली, और अगर आप मुवाजना करें शाहीन शाह का, हारिस रऊफ का और मोहम्मद वसीम का, तो कोई फर्क ऐसा नजर नहीं आया। सबने मार खाई, सबने आखिरी में विकेट हासिल की, और शाहीन शाह ने आखिरी में विकेटें लेकर कोई 18 विकेट हासिल करके टॉप 4 में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो बहुत से खिलाड़ी इसमें एक्सपोज हुए, जब आप किसी को एक्सपोज कर देते हैं ना तो ये भी एक पॉजिटिविटी होती है कि आप आने वाले वक्तों में आपको पता होता है कि आपको अपना लायबल क्या बनाना है, किस पर कितना ज्यादा तकिया करना है, किस पर कितना ज्यादा इंतजार करना है, फिर आप उसी तरीके से बिहेव भी करते हैं। आने वाले वक्तों में शायद हो सकता है कि मोहम्मद वसीम हसन अली की जगह ले लें, शाहीन शाह को और हारिस रऊफ को अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जरा नजर डालनी पड़ेगी, और मोहम्मद रिजवान को कैंप्स में एक्टिंग के बजाय अपनी परफॉर्मेंस में कुछ इस तरह से एक्टिंग करनी पड़ेगी कि वो सुपरहिट हो जाए। बाबर आजम अगेन बेचारे, मतलब कोहली से हम कंपेयर करते हैं, लेकिन उस तरह से बात उनकी बन नहीं पाई। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी एक्सपोज हुई, बहुत सारे खिलाड़ी एक्सपोज हुए, बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ गए, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को फिर भी, जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद वसीम, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान इंतजार कर सकता है आने वाले वक्तों में, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, और ये हमारे सितारे हमारे हीरो बन सकते हैं। तो मैं भी आपका हीरो हूँ, मुझे भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।